बात की जियारत शरीफ के पास बियोज हट, मैं तो ये कहूंगा जियारत शरीफ के पास हो, नीचे हो या नकीमपुरा में हो, तो मैं यहाँ पे रेंजर साहिबान जो है हमारे जो रेंज अफसर साहब है, मैं उसे गुजारिश करूंगा कि वो एक प्रपोजल दे दे और हम जो है इन प्रिंसिपल आई हैव एग्रीड, मैंने एग्री कर लिया है इस चीज को, आवाम ने उगाया है इसके जो है ये इसको प्रोटेक्ट किया है और जो है ये शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये ट्रांसफर करे। मैंने कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉरेस्ट अदरवाइज भी सारा आवाम का ही है, ये मालिक हो आप लोग, लेकिन हाँ हम लोग ट्रस्टी है इस जंगलात के, हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम इसको बचाएं आपके लिए, तो इसलिए जो है मैं उसके लिए भी आपको मुबारकबादी देता हूँ। एस्टिमेट एक दे दे फॉरेस्ट क्लोजर यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का और मैं कोशिश करूंगा कि इसी साल उस क्लोजर पे काम लगे ताकि यहाँ पे लेबर जनरेट हो, यहाँ के जो लोकल है उनका भी जो है कमाई हो और जो कल को वाच एंड वार्ड के मामला थे उसमें भी यहाँ पे हमारे लोकल ही उसमें लगे, तो ये भी हम जो है मैं इसको तस्लीम करता हूँ। दूसरी बात है कि आजकल जंगलात से वैसे भी जो है जंगलात से हम फॉर्डर लेते रहे हैं, घास लेते रहे हैं, प्लांटेशन यूनिट से घास लेते रहे हैं, तो उस घास को फॉर्डर मशीन एक आती है, तो फॉर्डर मशीन में जो है पैकेजिंग होती है उन पैकेटों को आप मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जैसे गुरेज है, जैसे बांडीपुरा है, जैसे मुख्तलिफ जगह है नॉर्थ कश्मीर में, वहां पे आप उनको बेच सकते हो और आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो मैं रेंज अफसर साहब से गुजारिश फिर से करूंगा कि वो इस फॉर्डर मशीन को जो है यहाँ पे नगीनपुरा में इंस्टॉल करने का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, हम उसको गो अहेड दे देंगे। दूसरी बात जो डिमांड यहाँ पे आई आवाम से सरपंच साहब से वो थी इको पार्क की, कि जो हमारे यहाँ पे आस्थान जो रेल है जियारत शरीफ जो है तो वहाँ पे एक अक्रोल भी है, तो इसके चलते हम यहाँ पे इको पार्क का एक बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ के बच्चों के लिए बनाएंगे, इसके लिए भी मैं रेंज अफसर साहब से गुजारिश करूंगा और सरपंच साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो हमारे अफसरों के पीछे पड़े और इनसे जो है हमें एस्टिमेट दिलवाए ताकि मैं इसका अप्रूवल सरकार से लाऊं और यहाँ पे जो है इसके काम हमारे पास पैसा पड़ा है, करोड़ों का पैसा हमारे पास है, जो हम लेकिन आज का जो प्रोग्राम है हमने ये तहिया कर लिया, मेरे साथ कंजर्वेटर साउथ इरफान अली शाह साहब थे, लास्ट टाइम कांचलू में एक अवेयरनेस कैंप था तो वहाँ हमने ऐलान किया था बाकायदा तौर की यहाँ पे जो तनवीर अहमद खान जिसने रिसेंटली आई जी एस टॉपर किया तो उसके नाम पे हमने सोचा कि यहाँ पे हम एक तनवीर खान ट्रैक रूट बनाएंगे, तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज हम उसमें कामयाब हो गए। आज बाकायदा तौर पर तनवीर खान ट्रैक रूट जो नगीनपुरा नाड़ इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे बाकायदा कंजर्वेटर साहब थे और उसके साथ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स था, उसके बाद साथ यहाँ पे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डीएसपी कंसर्न, एसएचओ कंसर्न और आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह सब, खासकर मीडिया के लोग हमारे साथ थे। आज हमने बाकायदा तनवीर खान ट्रैक का यहाँ पे इनाग्रेशन किया और उसकी फैमिली भी हमारे साथ थी, आज उसका बाप गुलाम हसन खान और तनवीर साहब की माँ, आप शायद जानते होंगे जो तनवीर खान है वो मेरा भाई है, वो मेरे छोटे मामे का बेटा है, तो आज दिल्ली में है, तो आज हमने बाकायदा उस तनवीर खान रूट का इनाग्रेट किया। तो ये जो है कुल मिला के तनवीर खान जो रूट है ये 2 किलोमीटर हमने बनाया लास्ट महीने में, तो आज ये लिगिनपुरा नाड़ से अप टू आस्थान रेल तक ये रूट बनाया। आस्थान रेल जो है वहाँ भी एक जियारत है, ये
ये तो बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप खुद ही देखते हैं यहाँ कैसा मौसम है, कैसी ग्रीनरी है, कैसे जंगल हैं, कैसे पहाड़ हैं। तो यहाँ पे हम इसमें कामयाब हो गए आज तनवीर खान रूट बनाने में। साथ साथ जो आजकल अगर हम पूरे जंगलात की बात करें, हमारे कंजर्वेटर साहब ने यहाँ पे क्लोजर का ऐलान किया, और साथ साथ यहाँ पे आज हमने जहाँ गरीब बच्चों में यहाँ पे कापियाँ पेंसिल वगैरह बांटे, और जो विडोज़ है उनके लिए, जो यहाँ बकरवाल लोग उनके लिए एक एक लाइट का हमने इंतज़ाम किया है।